एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन बी व्यू दी HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज। हम HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज को कैसे व्यू कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं। We can view the HTML document or web page by using the following steps. First step है, ठीक है, इसके दो method हैं। एक तो ये, double click on HTML file where you have saved. ठीक है, एक तो जहाँ पे हमने अपनी HTML file को save किया होगा, बस उसके ऊपर double click करना है, वो automatic जो है वो file open हो जाएगी। ठीक है, ये एक simple method है। हालांकि जो प्रोग्रामर वाला मेथड है वो मैंने आपको बता दिया था कि हमने फाइल कहाँ पे सेव करनी है, हमने फाइल एक्चुअल में ही सर्वर के अंदर सेव करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये मेथड भी आपको बताऊंगा। ठीक है, या और ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर और मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, या फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला या फिर गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर्स हैं उनको ओपन करेंगे, जिसमें भी आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, कोई भी वेब ब्राउजर, चाहे गूगल क्रोम ले लो, चाहे मोज़िला ले लो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन फाइल, उसके बाद हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन नेविगेट टू ओपन, उसके बाद ओपन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट द फाइल, उसके बाद हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस नाम से हमने सेव की होगी। यहाँ पे मैंने demo.html लिखा है, आपने जिस भी नाम से फाइल को सेव किया होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वेयर यू हैव सेव्ड। ठीक है, हम ब्राउजर के अंदर जाकर ओपन करके और फिर ब्राउज करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। दो मेथड है, या तो डायरेक्ट चले जाओ पीसी के अंदर, डबल क्लिक करो फाइल के ऊपर, फाइल ओपन हो जाएगी, या फिर अपना वेब ब्राउजर पहले ओपन करो, फिर ओपन में जाओ, फिर वहां पे जाके फाइल को ओपन करो। ये तो था एक सिंपल मेथड आपको बताने के लिए, हालांकि जो एक्चुअल मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ड्रीम वीवर के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो एडिटर यूज करेंगे वो मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रीम वीवर। ठीक है, हम HTML की फाइल्स बना रहे हैं, तो HTML हमारा आधा कोड जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर लिख देंगे हेलो HTML। ठीक है, इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब देखो सेव करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिस पीसी के अंदर, ठीक है, दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर मैंने सर्वर प्रोग्राम को सेव करके रखा है और हमारे सर्वर का नाम है बैम। ठीक है, मैं गया देखो सी ड्राइव के अंदर और सी ड्राइव में मैं यहाँ पे बैम जो बना हुआ है, हमारा जो सर्वर है बैम, उसके अंदर जो www फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर यानी कि www के अंदर इस फाइल को सेव करूंगा। यहाँ पे फाइल का नाम लिखूंगा, फाइल का नाम हम लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कौशल नाम से ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे मैं सोनल नाम से फाइल को सेव कर रहा हूँ। एक्सटेंशन हम .htm भी लिख सकते हैं और .html भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सेव, तो ये हमारी फाइल होगी सेव। ठीक है, अब चलते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर। वेब ब्राउजर के ऊपर जाने से पहले हम स्टार्ट करेंगे अब अपने सर्वर को, हमने सर्वर के अंदर फाइल सेव कर दी है, अब हम करेंगे अपने बैम्प सर्वर को स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक, यस। ठीक है, और ये हमारा जो सर्वर है यहाँ पे इस एरो के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो W, ये हमारा बैम्प सर्वर। ठीक है, ये हो गया ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे लोकल होस्ट के ऊपर। ठीक है, लोकल होस्ट में हम यहाँ पे ही आ गए लोकल होस्ट, यहाँ पे इस पेज को नहीं आपने देखना है, हमने फाइल का जो नाम लिखा था, फाइल का नाम है sonal.htm। ठीक है, तो जो हमने लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक तरीका तो ये है फाइल को ओपन करने का। ठीक है, अब देखो दूसरा जो मेथड है जो हम बोल रहे हैं कि डबल क्लिक करके ओपन करना, डबल क्लिक वाला जो मेथड है वो सिर्फ आपको एक डेमो दिखाने के लिए कि इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये बनाया मैंने एक प्रोग्राम, मैं इसको कर रहा हूँ सेव,
दोबारा से मैं इसी फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव एज करके, यहाँ पे सोनल नाम ही रहने दिया, और मैं इसको देखो डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ बाहर ही, ठीक है, सर्वर के अंदर नहीं, बाहर ऐसे ही सेव कर रहा हूँ, और ये सेव, यहाँ पे आ रहा अपडेट ले, यस, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये देखो ये बनी हुई है फाइल, ये अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करके भी सेम यही डिस्प्ले करेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है वेबसाइट और वेब पेजेस को रन करने का। जो एग्जैक्ट मेथड है, जैसे वेबसाइट्स बनती हैं हमारी सर्वर के अंदर ही रहती हैं, सारे के सारे वेब पेजेस वहाँ पे जाते हैं और हमारी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीट वहाँ पे ही रिसाइड रहती है, वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो स्टोर रहती है, ठीक है। तो हम जो एक प्रोग्रामर काम करता है वेबसाइट को बनाने का, हम सेम वैसे ही काम करेंगे, प्लस टू तक मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, व्हाट आर एचटीएमएल टैग्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एचटीएमएल। एचटीएमएल टैग्स यानी कि एचटीएमएल के कोड्स और उसके जो बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स हैं, जिन ब्लॉक्स के अंदर हम कोड लिखते हैं वो कौन कौन से हैं, तो यही है, देखने देखो ये HTML कोड है, ये HTML का मेन टैग है, इसके अंदर हम हेड लिखते हैं और हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, और ये बॉडी टैग है, ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन बैकग्राउंड बीजी कलर टेक्स्ट कलर एंड लिंक कलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। बैकग्राउंड क्या होते हैं और बीजी कलर क्या होता है, टेक्स्ट कलर और लिंक कलर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। बैकग्राउंड का मतलब होता है जो उसका जो बैक साइड होती है, बैकग्राउंड, ठीक है, यानी कि जो उसकी पृष्ठभूमि को बोल देते हैं हम बैकग्राउंड, है ना, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, यानी कि वेब पेज की जो बैक साइड है उसको चेंज करने के लिए हम इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यानी कि पिक्चर्स वगैरह रखनी है तो हम बैकग्राउंड को यूज करते हैं, अगर मान लो सिर्फ बैकग्राउंड का सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर बोलते हैं उसको, ये बीजी कलर चेंज करता है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है, ये पिक्चर के लिए, ये बैकग्राउंड कलर के लिए, ये टेक्स्ट कलर के लिए, यानी कि बॉडी टैग के अंदर जो हम लिखेंगे सारे के सारे टेक्स्ट ये उसके कलर के लिए है। और लिंक कलर एट्रीब्यूट होते हैं जो हाइपर लिंक होते हैं, हाइपर लिंक मतलब ये वाले लिंक जो होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये होते हैं हाइपर लिंक, इनको बोलते हैं हम हाइपर लिंक, इनके कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है, तो इनका कलर जो है हम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्लू ही रखना है, ये डिफॉल्ट कलर वैसे तो ऐसे रखते हैं प्रोग्रामर, ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ GIF और JPG फाइल दैट विल बी यूज्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा कि हम GIF और JPG पिक्चर जो है वो एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हो जैसे बॉडी, उसका जो बैकग्राउंड है और यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, यहाँ पे FIG लिखा हुआ है, यहाँ पे JPG, हो सकता है GIF हो सकता है, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इसको वर्क कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे GIF या फिर यहाँ पे JPG, ठीक है, फाइल नेम और JPG, ओके, ठीक है। अब इसको हम यूज करते हैं, हम अपनी सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं वो हमने अपने सर्वर के अंदर ही रखी हुई है और सर्वर के अंदर ही हमने उनको स्टोर करके रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से भी कुछ एक पिक्चर जो है उठा लेता हूँ और अपने सर्वर के अंदर रख लेता हूँ, वहाँ से पिक्चर को फिर एकदम से डिस्प्ले करवाना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, लेकिन बैकग्राउंड के लिए जो है ये हो गई एक ये वाली होगी बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, ये JPG है, ये देखो डॉट JPG लगा हुआ है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ दोनों पिक्चर्स को और इनको मैं सी ड्राइव के अंदर, ये ध्यान से देखना है मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ इन पिक्चर्स को, जहाँ पे हमारी फाइल सेव हो रही है वहाँ पे मैं इन पिक्चर्स को रखूँगा, यहाँ पे ये देखो WW जो फोल्डर है मैं यहाँ पे इन पिक्चर्स को पेस्ट कर रहा हूँ फाइल के साथ ही बाहर, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, सानू, और यहाँ पे ये जो नाम है पिक्चर, इनको ईजी बना सकते हैं हम नाम को, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, यहाँ पे मैं इसको और इजी बना देता हूँ रीनेम करके, इसका नाम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे 11, ठीक है, और जो ये वाली पिक्चर है इस पिक्चर को रीनेम करके इसको मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है, 12.jpg और 11.jpg, ठीक है, ये हो गई हमारे सर्वर के अंदर पिक्चर सेव, ठीक है। अब चलिए चलते हैं पैम्प सर्वर के अंदर, वो वहाँ पे जो हमने पिक्चर सेव करके रखी थी, जैसे मान लो 12.jpg है, ठीक है,
डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्राउज करके भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसको कर रहा हूँ सेव, फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ डेमो 11 ठीक है .html, और इसको इस फाइल को हम सर्वर के अंदर सेव करेंगे सी ड्राइव में। जो बैम्प नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर जो www फोल्डर है ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ सेव ठीक है, डन। अब चलिए चलते हैं वेब ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे जो फाइल का नाम हमने रखा है डेमो 11.html, तो ये देखो हमारा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया ठीक है। हम चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, चाहे अगर मान लो कलर रखना है पिक्चर की जगह तो उसके लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट है, बीजी कलर में हम कोई सा भी कलर जो है अपने बैकग्राउंड के लिए ले सकते हैं ठीक है। सेव, और मैंने इसको किया यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो हम अपने जो वेब पेज है उसकी बैकग्राउंड के लिए जो बीजी कलर इस तरह से सेट कर सकते हैं ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बैकग्राउंड से हम पिक्चर रख सकते हैं और बीजी कलर से इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं अपने वेब पेज का ठीक है। डिफाइन बीजी कलर टेक्स्ट कलर एंड लिंक कलर एट्रीब्यूट्स ठीक है, तो यहाँ पे बीजी कलर जो है मैंने अभी आपको करवा दिया था, बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेब पेज। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड लिखते हैं येलो तो ऐसे भी कलर चेंज हो जाता है बीजी कलर, ये देखो मैंने यहाँ पे कलर कोड लिखा ना, तो क्योंकि मैंने जो कलर सेलेक्ट किया वो कलर कोड के हिसाब से आ रहा है, लेकिन नाम लिखने में कलर में इतनी वैरायटी नहीं हमें मिलती है। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड, तो रेड में हमें लाइट रेड नहीं मिलेगा इस तरह से, क्योंकि जो हमें कलर कोड से मिल सकता है ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं पीजी कलर के लिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर, वी कैन चेंज टेक्स्ट कलर बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट टेक्स्ट। मान लो बॉडी के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखना है, जो मटेरियल लिखना है, उसका कलर जो है वो सेट करना है, तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से सेट नहीं करते हैं। अगर मान लो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर वैसे ही सारे वर्ड्स आए तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो वो एट्रीब्यूट से हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट कर देता हूँ, बीजी कलर का जो बीजी कलर है, बीजी कलर इसका मैं लाइट सा कलर रख देता हूँ ताकि हमारे जो टेक्स्ट है वो भी अच्छे से दिखाई दें, और बॉडी के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखे उनका जो कलर आए वो ब्लू आए ठीक है, डन ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, हाय HTML, यहाँ पे जाते हैं इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो बैकग्राउंड जो हमने रखी वो, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो कलर आ रहा है वो ब्लू ठीक है। टेक्स्ट का ये कोड है, कोड की जगह हम यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है नाम से भी चेंज हो जाएगा, ये देखो IHTML ठीक है। तो बीजी कलर भी आपको क्लियर हो गया, टेक्स्ट कलर भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एक लिंक कलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक कलर मतलब जो हाइपर लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये होते हैं हाइपर लिंक्स, इनका कलर जो होता है वो प्रोग्रामर डिफॉल्ट ब्लू ही रखता है और ये डिफॉल्ट ब्लू ही आता है ठीक है। मान लो इसका कलर चेंज करना है, और विजिटिंग कलर भी होता है, एक एक्टिव कलर, एक्टिव लिंक कलर भी होता है, एक विजिटिंग लिंक कलर भी होता है, तो वो चीज मैं आपको कंप्लीट जो है आगे एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हाइपरलिंक के ऊपर, वहां पे आपको ये सारी चीज समझा दूंगा, हाइपरलिंक लगाते कैसे हैं, कैसे उनका कलर चेंज करते हैं, कैसे विजिटिंग और एक्टिव लिंक का कलर हम चेंज करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी था, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद जय हिमाचल।